हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई भी वेबसाइट से वीडियो या ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, या कोई वीडियो हो उसमें से सिर्फ ऑडियो और आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं? तो सोल्यूशन ये रहा, आप नीचे गए लिंक से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, जो एंड्रॉयड के लिए है, स्नैपट्यूब। यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर एक मैंने जो ट्रेलर चूज़ किया है, वो ट्रेलर के अंदर अगर हमें ऑडियो डाउनलोड करना है या वीडियो, उसकी क्वालिटी क्या है और उसको हमें कैसे उसको डाउनलोड करना है, वो ये वीडियो में दिखाया गया है। आप वीडियो का जो है वो क्वालिटी आप चूज़ कर सकते हो, उसमें 144 से लेके 720p तक का, या 1080 अगर आपके रीजन में अवेलेबल है तो वहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक जो है वो एक वीडियो मैंने सिलेक्ट किया है, वो वीडियो का अगर मुझे डाउनलोड करना है या उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मुझे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर से आप जो शेयर बटन है किसी भी वेबसाइट से, यूट्यूब हो या स्नैपट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी वेबसाइट पे, वहाँ पर उसको क्लिक करके रखिए। वहाँ पर शेयर का बटन आएगा, शेयर के बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे ऑडियो के और वीडियो के, वो सभी के सभी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। वो ऑडियो के ऑप्शन में से आप चूज़ कीजिए और आपका जो ऑडियो या वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो के साथ आपको एक और चीज़ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, लार्क प्लेयर। जो आपको डाउनलोड करोगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन में दिखाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं ये जो कर रहा हूँ, कोई भी ऑडियो चाहे लो आपका जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैंने ये ऑडियो एक वीडियो जो है वो डाउनलोड करके रखा है, उसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर पहले हमें बोलेगा कि आपको लार्क प्लेयर कंपलसरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपके वीडियो और ऑडियो को डिकोड करेगा। हम यहाँ से इसको इंस्टॉल फटाफट से कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर का हमें लिंक ओपन होगा, वहाँ पर से हम फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं उसका ऑडियो और वीडियो डिकोडिंग। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम उसको जो है वो परमिशन को अलाउ कर देना है और हमारा वीडियो चलने के लिए रेडी है। अगर आपके पास कोई वाईफाई है और वाईफाई से आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, या मोबाइल डेटा कम है, या आप ऐसी कनेक्टिविटी में रहते हैं जहां पर कम नेटवर्क आता है, तो आप अच्छे नेटवर्क में उसको डाउनलोड कर लीजिए और ऑफलाइन देखते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए।